हाय, माय नेम इज़ ज़ाकिर खान. ये सिर्फ मेरे टाइम पे होगा. अभी मैं दिल्ली से आया तो मेरे पास ना बगल में एक लड़की बैठी थी, बहुत सुंदर लड़की थी. तो मैंने बैठते उसको बताया कि मैम आप गलत सीट पे बैठे हो. तो उसने बोला आपको कैसे पता? मैंने कहा नहीं, मेरे को मालूम है आपकी सीट गलत है. तो टिकट विकट चेक करा तो वो पीछे की सीट पे बैठी थी. तो उसने मुझसे पूछा कि आप दिल्ली पटियाला बहुत ट्रैवल करते हैं. मैं कहा नहीं, मुझे मेरी किस्मत का पता है. तो यार अपने अपने बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ. जैसे कि बचपन में ना मेरी मम्मी मुझे काजल लगाती थी. जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना वो फैलता गया. अच्छा, तो मैंने मम्मी से, माँ का दिल ना बड़ा नाजुक होता है, मैंने मम्मी से पूछा. मैंने कहा मम्मी यार ये क्या हो रहा है, ये फोटो वाला बच्चा तो शीशे में नहीं है, तो तुमने क्या किया? मतलब ये बच्चा तुमने या तो खो दिया या मुझे मंदिर से लाई हो. तो क्या माँ से मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मी यार ये क्या करा है तुमने, कैसे हो? अब माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है, मासूम होती है माँ. तो मम्मी ने मुझे कह दिया बेटा ये तो डार्क सर्कल है. मैंने कहा मम्मी आँखों के होते हैं, घुटनों तक नहीं होते हैं डार्क सर्कल. यार यू नो सब लोग अपने अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, मेरा भी एक इशू है. मेरा इशू है एडवर्टाइजिंग वालों से. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि फेयर एंड लवली वाले झूठे हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फेयर एंड हैंडसम वाले भी झूठे हैं. अच्छा, जब फेयर एंड हैंडसम आई ना तब मुझे पता चला कि छुप छुप के लगाना था. उसके पहले मैं तो जी खुलेआम ही लगा रहा था. लेकिन यार देखो, बंदा ना यार मूव ऑन नहीं कर पाता. आप ना मूव ऑन नहीं कर पाते हो लाइफ में. तो मैंने 6 महीने छुप के भी लगाई, दुनिया की नज़र से बचा के. उसमें वो पट्टी देते हैं, आपको पता है शेड शेड कार्ड होता है, 4 हफ्तों में 6 शेड्स तक का गोरापन. माँ कसम मैं तो इधर ही गया. अच्छा, यामी गौतम को ले रखा है. यामी गौतम कब काली थी? टीवी में आती थी, हम देख रहे हैं, 19 साल की थी तब से टीवी. विराट कोहली को ले रखा है. कोहली साहब का लड़का अंडर 16 खेलता था, तब से देख रहे हैं हम लोग उसे. कब जी? अगर आपकी क्रीम में जादू है तो आपने विनोद कामली को लेना चाहिए था. लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो पता है ऐसे लुक्स, इतना गुड लुकिंग होने का ना अपने एडवांटेज है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे. जैसे मुझे कभी किसी ने कोई महंगा सामान नहीं बेचा आज तक. जैसे मैं गया दुकान पे, 1000 की चीज मुझे 2000 में टिका दी. जैसे तुम लोग गरीबों के साथ होता है ऐसा. मेरे साथ पता है कैसा होता है, सामान लेने जाता हूँ, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बेटा तुझसे क्या लूंगा जा. यार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आपके मन में होता है, ठीक है. कई बार आपको पता भी नहीं होता कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं. आपको आपको लगता है दुनिया खिलाफ है मेरे. उसमें ना आप एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हो. वरना तुम्हें क्या लगता है बप्पी लहरी बेवकूफ है, इतना सोना पहन के घूमता है? जरूर दिल्ली की किसी शादी में किसी ने कह दिया अरे ओ हलवाई जलेबियाँ निकाल पहले. उसको लगा नहीं यार कुछ करना पड़ेगा. ऐसे पता है कई बार मैं रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ और मुझे मालूम है लोग मुझे कूल नहीं समझते. अब मैं बहुत कूल हूँ, पहले की बात है. लोग मुझे कूल नहीं समझते यार. मैंने कहा यार गलत है, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट्स में, सर्व ही नहीं कर रहे मुझे, ना वेटर सीट दिखा रहा है ना मेन्यू कार्ड दे रहा है. मैंने कहा यार तो गलत हो रहा है. बाद में पता चला सेल्फ सर्विस है. कॉम्प्लेक्स ना यार आपके मन में होता है. सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो छोटा छोटा जो हमारे मन में होता है, ठीक है. हम सब कहीं ना कहीं, हम थोड़ा थोड़ा सा हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं जिनसे हम डर जाते हैं. ये सब बातें मैं करता हूँ, ये सब बातें आपने मेरे वीडियोस में भी देखी होगी. लेकिन मैं इससे थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ. मैं जोक का कंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूँ कि एक जोक कैसे बनता है, कॉमेडी कैसे शुरू होती है. मैं बहुत खुशनसीब हूँ
अपनी ज़िंदगी में कि मैं जब बच्चा था तो किसी ने मुझे इंसल्ट किया, किसी ने मुझे बुली किया, क्योंकि अगर वो तब वैसा नहीं करते तो मैं आज ऐसा नहीं होता। वो अभी बहुत सक्सेसफुल हैं, सब लाख लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं महीने की, मैं भी लाख रुपए का काम कर रहा हूँ पर मैं 2 दिन काम करता हूँ। यार पहले दिन से आप इतने स्मार्ट नहीं होते हो, ठीक है। हम सब जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, हम सब कोई भी हारना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या हम सब में जीतने की ताकत नहीं होती है। मैं अपने पापा के साथ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसी शक्ल कोई ऐसी धनी बचपन से है, ठीक है। एज ए टीनेजर ना आप बहुत सेंसिटिव होते हो। मैं उस थ्योरी के खिलाफ हूँ जो आपको ये कहती है कि अरे ध्यान मत दे, फर्क नहीं पड़ता, जब गली से हाथी गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मेरा ये मानना है कि रुक, सुन, ध्यान दे, लड़। मैं एक बचपन का इंसिडेंट आपको बताता हूँ। जब आपकी कच्ची उम्र होती है ना, 10, 11, 12, 13, 14, ये ना बड़ी कंस्ट्रक्टिव उम्र होती है आपकी। आप तब आप बन रहे होते हो, आप कैसे इंसान हो वो आपकी उम्र डिसाइड करती है। एक चाय की दुकान पे पापा के साथ खड़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है। मी एंड माई डैड वी शेयर अ वेरी वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप, बहुत प्यार करते हैं, मुझे एक दोस्त की तरह रखते हैं, मुझे ज़िंदगी की हर बात उन्होंने मुझे बताई है। हम दोनों चाय की दुकान पर खड़े हैं, अचानक से कोई रैंडम आदमी आता है, नहीं जानता, आके मुझे कह देता है कि सुनो छोटू चाय लगा दियो बेटा। शक्ल चाय वाले की है लेकिन साथ में पापा खड़े हुए। इंसल्ट हो गई एकदम, बहुत बुरा लगा एकदम से। पापा के सामने इंसल्ट हो जाए बुरा लगता है आपको? पापा को भी बहुत इंसल्टेड फील हुआ। उन्होंने मुझे बोला तूने जवाब क्यों नहीं दिया उसको? जवाब था ही नहीं दे, क्या जवाब, जवाब था ही नहीं। बहुत बुरा लगा यार। घर जाके सोचा कि आप ना जब आपके साथ ऐसा कुछ बुरा होता है ना तो आप घर जाते हो, उस सिचुएशन को रिवाइंड करते हो, उसमें अपना एलिमेंट डालते हो और जीतते हो हर बार। 10 तरीके से उस सिचुएशन को चलाते हो कि यार पीछे जाऊंगा फिर देखूंगा, पीछे जाऊंगा, इस बार होता तो ऐसा कह दूंगा, वैसा कह दूंगा, ये बोलता दूंगा, ये। हम सब हमारे दिमाग में जीतते हैं हार के बाद, क्योंकि हम जीतना चाहते हैं, हमें से कोई भी हारना नहीं चाहता। पर यार अगली बार जब किसी ने इंसल्ट करी तो साले ने नई बात कह दी, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। तेरह चौदह साल के आप हो जाते हो, फुल लड़की के साथ खड़े हो आप, स्वैग अपनी बातों में आपने उसको उलझा लिया, ठीक है, फुल बातों में। एक तो लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि यार लड़कियां दिल देखती हैं और मेरे फेवर में ये चीज काम करती है। देखो लड़की के साथ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और फुल अपनी बातों में। एक तो बंदा जब लड़की को वू कर रहा होता है ना, उसका मुंह ही अलग होता है। जब दो लोग बात करेंगे, लड़का लड़की बात कर रहे हैं, आपको अलग ही पता चलता है, उसका मुंह ही अलग होता है, एक्स्ट्रा रिएक्शन दे रहा होता है, या सो ट्रू। मतलब वो वाला फेज अपना चल रहा है, अचानक से कोई एक साला सीनियर आके इंसल्ट करके चला गया, ऐसे कुछ बोल गया, गधे ही गुलाब जामुन खाते हैं, ऐसे जवाब ही नहीं था। ये पिछली वाली बात से अलग थी ये बात। खैर लड़की भी, उसने भी, उसको भी लगा इसके साथ नहीं रहना चाहिए, सुंदर भी नहीं थी वैसे, अंगूर तो देखो खट्टे हैं ही। तो यार घर गया, सोचा, बहुत सोचा, ऐसा 10 बार हुआ, 10 बार हुआ, 10ों बार में हारा, 10ों बार सोचने का फायदा ये हुआ कि, पर मैंने सोचना नहीं छोड़ा, मुझे फर्क महसूस हुआ। शराब पी लेना या बेहोश हो जाने जैसा होता है, ठीक है, आपको महसूस नहीं होती चीज़ें, वो स्टेट अच्छा नहीं है। जब आपको फर्क पड़े, जब आपको बुरा लगे, आप घर जाके सोचो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब आप लड़ रहे हो, और जब आप लड़ रहे हो तो स्ट्रगल कर रहे हो, और जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप आगे बढ़ोगे, आप अपने आप में इवॉल्व हो रहे हो आप हर बार। 11वीं बार जब मुझे किसी ने उसके आसपास भी कहा तो मेरे पास 100 जवाब तैयार थे, और लड़कियां भी थी देखने वाली। तो जब अगली बार मुझे किसी ने कुछ कहा तो मेरे पास पूरा एक आर्मर था, मैं कोई भी बात बोल सकता था उसको पलट के। किसी ने मुझे कहा कि सुन तो चाय बोल देना, मैंने बोला सुन पहले तू टेबल साफ कर दे।
ऐसे मेरे पास मेरे अपने तरीके के हजार जवाब थे, ठीक है। तो वो बहुत धीरे 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 करके बनता है वो। आप जब जब मैं किसी के साथ होता हूँ और कोई मुझे कुछ कहता है, मैं पलट के तपाक से जवाब देता हूँ, तो वो कहते हैं यार क्या सही स्पॉन्टेनियस था यार रिएक्शन। लेकिन उसके अंदर का होमवर्क जो है वो बहुत सालों का है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो हमारी ताकत है, ठीक। वो उनसे हम उनको हम जितना यूटिलाइज कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा कोई उनको कैपिटलाइज और यूटिलाइज नहीं कर सकता। अगर हमने वो फिगर आउट कर लिया ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। हाफ ऑफ माई जोक्स जो मैंने पहले 10 मिनट में आपसे कहा, ये सब ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ हुआ ही हो। क्या चीटेड लग रहा है ना? नहीं, हुआ है। लेकिन वो ये मेरी इनसिक्योरिटीज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और ये हम सबके अंदर है। सबको लगता है कि यार इस तरफ से तो मैं कैटरीना लगती हूँ, लेकिन इस तरफ से नहीं लग रही हूं। आप कैसे लड़ोगे उससे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको छोड़ के भाग जाओ। लोग आपको कहते हैं कि नहीं, उस तरफ जाना ही नहीं है। अगर आपको डूबने से आप मर सकते हो, तो उसका एक इलाज ये है कि आप कभी भी नदी में तैरने ना जाओ, आप कभी भी पानी के पास ना ही जाओ। लेकिन उससे आप कभी इवॉल्व नहीं होगे, कभी सीखोगे नहीं। अगर आपको सीखना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप तैरना सीखो, क्योंकि वो आपको एज ए ह्यूमन बींग आपको ज़्यादा शार्पन करेगा। इनफैक्ट आपने देखा होगा कभी, यू नो, पता है, मैं उन लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है जो बहुत गुड लुकिंग होते हैं, या बहुत गुड लुकिंग नहीं होते, मतलब कि जिन की लाइफ में कंस्ट्रेंस नहीं आए। क्योंकि जब कंस्ट्रेन आता है ना, तो क्रिएटिविटी आती है। जब क्रिएटिविटी आती है तो आप इवॉल्व होते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। भरत दुबुलकर एक एक्टर हैं, ये कॉपी राइटर हुआ करते थे एक एजेंसी में। अमूल का ब्रीफ आया, अमूल अमूल के आपने एड्स देखे जो प्रिंट एड्स होते हैं, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बेस्ट एड्स हैं जब उनकी बात की जाती है। तो भरत एक मराठी लड़का था उस टाइम पे, जिसको इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती थी और हिंदी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उसने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चालू किया, उसने इंग्लिश हिंदी का मिक्स क्रिएटिव बनाया। वो जो लैंग्वेज हम आज अमूल के क्रिएटिव में देखते हैं, वो स्टार्ट वहां से हुई। क्योंकि कंस्ट्रेन था, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आप ना कॉन्फिडेंस दोनों लैंग्वेज पे नहीं, तो उसने क्या करा, दोनों को मिला दिया। सुन यार, कैन यू प्लीज कम हियर, ये लैंग्वेज जो है ये वहां से बनी, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। तो एक इवॉल्व होने की जो प्रोसेस है ना, ये हम सब देख रहे हैं अपनी जर्नी में। तो अगली बार अगर तुम्हें कोई कुछ कहे, तो ये मत सोचना कि इसको जाने देते हैं। रुक के एक मोमेंट देना, समझना, इनवाइव होने देना, महसूस करना उस इंसल्ट को कंस्ट्रक्टिव होने के लिए, ना कि अपने मैं में डूबने के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। यू ऑल आर अ वेरी ब्यूटिफुल पीपल, लवली पीपल यू आर। थैंक्स अ लॉट।